शहर में साल 2014 में हुए सुशील पुणगे हत्याकांड और उसके बाद हुए दंगों के एक मामले में खंडवा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 40 लोगों को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में 2 आरोपी बरी हुए हैं, वहीं 1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी है। जिस मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है वह थाना सिटी कोतवाली का था, जहां कर्फ्यू के दौरान पुलिस पर हमला करने का आरोप था और इसी आरोप को लेकर कोर्ट ने 40 आरोपियों को सजा सुनाई है। का मामला था, क्या सजा सुनाई गई? इस मामले में जो है वो सुशील पुणगे हत्याकांड खंडवा शहर में चर्चित मामला था। उसके बाद शहर में कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू के बाद जो है वो थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत का एक घटनाक्रम बताया गया था, जिसमें 1:14 को दोपहर 1 बजे पुलिस बल पर हमला करना बताया गया। कुछ लोगों के द्वारा ऐसी शिकायत की गई थी, जिस पर से लगभग 47 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ था और उसमें से कुछ बाल न्यायालय के आरोपी थे, उनका मामला अलग हो गया था। यहाँ पर न्यायालय में लगभग 42 आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें से आज न्यायालय द्वारा धारा 307, 147, 148, 353, 332, 34 आदि धाराओं में जो है सजा दी गई है, उन्हें दोष सिद्ध पाया गया है। 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है, कुछ जुर्माने भी हैं। फैसला अभी लिखित में आना बाकी है, ओरल माननीय न्यायालय ने सुना दिया है। अभी सभी को सर्टिफाइड कॉपियां मिलेगी, उसके बाद फैसले के बारे में कुछ कमेंट्स कर पाएंगे। वैसे फैसले से सभी लोग असंतुष्ट हैं और वो माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध जो है अपील प्रस्तुत करेंगे और अपील में सफलता मिलने की भी संभावना है।